यार ये हैशटैग्स में स्टोरीज कैसे आ जाती है? चिंता मत करिए, इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो एक फुद्दू सी स्टार्टिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा स्टोरीज के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कैसे स्टोरीज को यूज करें, कैसे अपनी स्टोरीज इंटरेक्टिव बनाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके फॉलोअर्स या फिर स्टोरीज के व्यूज कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। मुझसे एक ने एक क्वेश्चन पूछा था और उसका नाम है द बिंदास प्रो, तो सोचा क्यों ना इसी पे एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये अगर उसकी प्रॉब्लम है तो ऐसा हो सकता है कि ये लगभग लगभग सभी की प्रॉब्लम हो। ये वीडियो सभी क्रिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि डायरेक्टली मैं यूज़ करता हूँ। तो ये वीडियो एक काइंड ऑफ स्टोरी हैक्स के ऊपर वीडियोस है जो सबको यूज़ करनी चाहिए, एज अ काइंड ऑफ माय ओपिनियन सबको यूज़ करनी चाहिए, बाकी वो आपके ऊपर है, यूज़ करो ना करो, मैंने तो बता दिया। तो सबसे पहले स्टोरीज के अंदर जो पिक्चर्स यूज़ करते हैं, प्लीज़ हाई क्वालिटी पिक्चर्स यूज़ करना, क्योंकि स्टोरी जितनी प्रोफेशनल जितनी अट्रैक्टिव लगेगी ना उतना ही अच्छा है। तो मैं अपने लिए कोशिश करता हूँ कि हाई क्वालिटी रखूँ, कोई भी पिक्चर यूज़ करता हूँ। तो हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। पहले तो है कैनवा, कैनवा के अंदर सब कुछ बना हुआ होता है, तो आपको बस री एडिट करना होता है थोड़ा सा, और ये ऑनलाइन टूल है जिसमें आप री एडिट कर सकते हो ईजिली। अब कैनवा के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे भी लैंग्वेज में मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है और सब इसके बारे में ऑलमोस्ट जानते ही हैं। अब जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है पिक्साबे, ये भी मैं कभी ना कभी यूज़ कर लेता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई क्वालिटी है और सब कुछ फ्री है। अब एक और वेबसाइट है फ्री पिक, एज ऑलवेज मैं भी यूज़ करता हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्री पिक एक वेबसाइट है जिसमें आप इलस्ट्रेशंस, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक बार जाओगे इन वेबसाइट पे तो आपको पता लगेगा हाँ ईजिली है अवेलेबल और हम यूज़ कर सकते हैं। एक और बात, यूट्यूब के थंबनेल के लिए भी मैं ये सब यूज़ करता हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है कि इंस्टाग्राम में अपने मन पसंद का कलर कैसे यूज़ करें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोई से भी पिक्चर क्लिक मार लो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे गए ऊपर, ये हो रहा जहाँ पे टेक्स्ट है ना उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करा, और इस जगह पर बस जब होल्ड रखोगे तो ये देखो स्क्रीन यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो अपना कलर, बस यहाँ पे टैप करके रखना है, थोड़ा सा होल्ड रखा और बूम कलर चेंज। ऐसे ही कोई सा भी होल्ड करके रखा, बूम। ऐसे ही कोई सा भी होल्ड करके रखा, बूम यहाँ पे कलर चेंज। तो ये तो बता दिया मैंने अपनी मनपसंद का कलर लेना। अब मैं ये बताता हूँ कि अपने मनपसंद कलर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। पहले हमने लिख दिया ये रहा कैमरा बॉयज, ये लिखने के बाद कर दिया हमने इसको डन। क्या करना है, कैमरा बॉयज का ना कलर चेंज कर लेते हैं, फिर से रख दिया कैमरा बॉयज, हाँ एक और बार टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट के नीचे ये रहा, ये देख रहे हो यहाँ पे ये आ गया है एक शेडो इफेक्ट जो कि बहुत कूल लग रहा है। बाकी इतना कूल है नहीं क्योंकि मेरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत बुरा होता है हमेशा ही। अगर मैं इसको नीचे लेके आ गया तो यहाँ पे ये इफेक्ट अलग हो गया, यहाँ पे ये अलग टाइप से हो गया। अरे वाह यार करण, तू तो यार जीनियस निकला, कूल। तो एक इफेक्ट ये हो गया कि अपने टैक्स को कैसे कॉम्बिनेशन करके कितने प्यार से बना सकते हैं, री एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप लेयर के ऊपर लेयर भी चढ़ा सकते हो तो वो हो सकता है वो ज़्यादा कूल लगे। बाकी ये एक आइडिया है, वो आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी है, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। हैशटैग की स्टोरीज के ऊपर अपनी स्टोरीज कैसे लगाएं, जो कि लिटरली कोई भी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें पता नहीं है। अब ये उनके लिए एडवांटेज है जिनको पता है, जैसे कि मैं, और हो सकता है अगर आपको पता हो, अगर नहीं तो आपके लिए अब ये एडवांटेज होने वाली है। अब जैसे कि अपनी स्टोरीज में ना मैं हमेशा एक हैशटैग यूज़ करता हूँ, रियल वाला मीम। तो हैशटैग स्टोरीज में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे ये सबसे पहले आ चुका है, यहाँ पे हैशटैग रियल वाला मीम की स्टोरीज के ऊपर मेरी स्टोरी चमक रही है। एक और हैशटैग मैंने यूज़ कर रखा है वो है मीम्स एडिट। अब मीम्स एडिट की जो हैशटैग है ना उसके ऊपर जो स्टोरी है
उसकी स्टोरीज के ऊपर बस मेरी ही अकेली स्टोरी चल रही है और इसके जो पोस्ट है ना 128K पोस्ट है। मतलब कि क्या है, लिटरली कोई भी ये हैशटैग अपनी स्टोरीज के ऊपर यूज कर ही नहीं रहा है। और मैंने एक चीज और देखी थी, मीम्स 95.1 मिलियन पोस्ट, लेकिन ये एक कॉमन हैशटैग है जो कि हर कोई यूज कर रहा है। अगर ये आप यूज करोगे ना तो आपकी स्टोरीज कहीं ना कहीं खो जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ये सारी की सारी स्टोरीज कंप्लीट हो गई है, रिफ्रेश करोगे यहाँ पे देखो ये फिर से आ जाएगी सारी की सारी स्टोरीज। लिटरली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ ये तो यूज़ ही मत करना, क्योंकि आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं खो जाएगी। बाकी हैशटैग आप सीधा सर्च मारो, जैसे कि मीम्स, जैसे कि डैंक मीम, डैंक मीम्स, इसकी कोई स्टोरी नहीं है। मतलब कि किसी ने इसको अपनी स्टोरी के अंदर यूज़ ही नहीं करा है, तो इसमें क्या फ़ायदा है, अपना फ़ायदा है। तो आप इसको यूज़ करो और अपनी स्टोरीज को चमकाओ इन सभी पोस्ट के ऊपर, क्योंकि ये हैशटैग हो सकता है कितने ही लोगों ने इस हैशटैग को फॉलो कर रखा हो। अगर फॉलो कर रखा है तो उसके ऊपर स्टोरीज के ऊपर हाईलाइट दिखेगा आपका स्टोरी, और हो सकता है आपके पास फॉलोअर्स आ जाए और स्टोरी काउंट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब जैसे कि ये हैशटैग की स्टोरीज काम कर रही है ना, वैसे ही लोकेशन की अपनी स्टोरीज काम कर रही है। अगर आप अपनी लोकेशंस को यूज़ करोगे अपनी स्टोरीज के अंदर तो कहीं ना कहीं छोटा सा ही सही लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। अब ना स्टोरीज पे अपने आप को टैग जरूर करो। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आती है प्रोफाइल विजिट के नीचे स्टिकर टैप्स, तो @camera.boys इसके ऊपर एक बंदे ने टैप करा है। हो सकता है कि ये मुझे फॉलो कर दे, या हो सकता है ये कोई ऐसा बंदा हो जो कि बिल्कुल नया हो और वो मेरी प्रोफाइल विजिट कर रहा है। अब एग्जैक्टली ये तो मैं नहीं बता सकती ये कौन है, कि नया है या फिर हो सकता है कि मेरे ही फॉलोअर में से कोई हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है इस चीज़ का, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। तो आप अपनी स्टोरीज में अपने आप को टैग जरूर करो। अब हो सकता है कि आप अपने आप को टैग करो, हो सकता है कि आप किसी और को टैग करो, लेकिन टैगिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको कंसीडर करो, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यूज़ करो। इंस्टाग्राम में मेरे 20 से 25 फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ तो ये जो कि इम्पोर्टेंट है वो है आप सबका सपोर्ट। आप सबके शेयर्स बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प कर रहे हैं, इस सब के लिए दिल से थैंक यू। और दूसरी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं मुझे इम्पैक्ट कर रही है, वो है जो मैं हैशटैग यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं स्टोरीज़ के अंदर चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ SEO रिलेटेड, ये सब कुछ SEO के अंदर आता है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है SEO का। तो SEO जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, SEO इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आपकी रैंकिंग में आपकी हेल्प करता है, जो कि सर्च एल्गोरिथम को बताता है कि मेरा मटेरियल सबसे आगे आना चाहिए ताकि मैं जीत सकूँ इस कंपटीशन में। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप सबका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, थैंक यू फिर से एक बार। और अब एक लास्ट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि इम्पैक्ट भी डालता है, वो है जिफ यूज़ करना अपनी स्टोरीज के अंदर। अब स्टोरीज के अंदर अगर जिफ यूज़ करोगे तो एक बात तो पक्की है, जय बाबा के। अब स्टोरीज के अंदर अगर जिफ यूज़ करोगे तो एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से वो व्यूअर आपकी स्टोरीज को देखने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा। सबको जिफ अच्छी लगती है, सबको जिफ देखना अच्छा लगता है, तो जिफ देखने के लिए कोई ना कोई तो वेट करेगा ही। अगर वेट कराए तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आपकी स्टोरी पे डालेगा, कहीं ना कहीं वो स्टोरी को रीड करेगा, कहीं ना कहीं वो स्टोरीज को पढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं छोटा सा ही सही लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा देता है एक जिफ। तो इसी के साथ स्टोरीज के ऊपर एक छोटी सी रिसर्च मेरी होती है यहीं पे एंड। अब हर बार की तरह एंड में भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हर बार होती है, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगी, ऑब्वियसली दिल से बनाई है तो वीडियो तो आपको अच्छी लगेगी ही, हर बार की तरह कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट देने की कोशिश करिए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके साथ शेयर करना, और जिनको थोड़ा बहुत नहीं पता है या अपनी स्टोरीज को इंटरेक्टिव बनाना उन्हें तो उनके साथ भी शेयर करना। तो हर बार की तरह एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाओ 3 फॉलोअर्स, अबे भाई 4 फॉलोअर्स आए एक साथ भाई।